Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कस रहा है, उसके बाद उनके परिवार और अब उनकी अवैध संपत्तियों पर एक बार फिर से पुलिस का चाबुक जो है वो कहीं ना कहीं चलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी को अपने गिरफ्त में ली हुई है, तो उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पत्नी पर लगातार कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं उनके बड़े भाई सांसद अफजल अंसारी पर भी लगातार ईडी जो है वो नजर बनाई हुई है। इस कड़ी में मुख्तार अंसारी को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आ गई है। दरअसल बात करें तो बाहुबली से नेता बने मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति लखनऊ में उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मुख्तार की मां के नाम पर था संपत्ति। पुलिस अधीक्षक एसपी ओमवीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सहयोगी तथा गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदे गए भूखंडों को कुर्क किया गया है। आपराधिक गतिविधियों के जरिए खरीदी थी संपत्ति। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई मोहम्मदाबाद के पुलिस जिलाधिकारी एसपी सिंह के नेतृत्व में लखनऊ पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं स्थानीय टीम से मदद जो लेकर जो है उन पे कार्रवाई की है। और एसपी ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की संपत्ति की कुर्की जिलाधिकारी आरेखा खौरी के आदेश के अनुसार की गई है। सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने अपने गिरोह अपराधी गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग करके ये संपत्ति खरीदी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। अब जो है उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के बावजूद भी 8 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्की गई है। बाकी इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।